काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे, के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे, के राता लंबे आ रे कटे तेरे संगे आ रे। नमस्कार, मैं हूं सुमित शुक्ला, हिंदुस्तान समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ में है वीर बॉक्स वाला जी, जो कि डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है और जिनकी अभी लेटेस्ट फिल्म रिलीज हुई है शेरशाह, इसने बॉक्स ऑफिस पर कमाल का धमाल मचा दिया है। आज हम सर से आपकी मुलाकात कराते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार सुमित। सर, चूंकि आपकी जो फिल्म शेरशाह काबिले तारीफ, क्योंकि इतनी सुर्खियां बटोर रही हैं और खासकर आपका आपने ये फिल्म प्रोड्यूस की है और सिद्धार्थ का काम, इट्स अ माइंड ब्लोइंग। और आप मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपके मन में ये शेरशाह का विचार आया कैसे? सुमित, एक्चुअली कुछ मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे विक्रम बत्रा के बारे में जिक्र किया, तो उसके बाद मैंने गूगल पे जाके, उन्होंने मुझे कहा कि ये बहुत बेहतरीन कहानी है जो सिनेमा पे आनी चाहिए, तो मैंने विक्रम बत्रा को तो मैं नाम सुना था, वो इंडिया की फर्स्ट टेलीवाइज वॉर थी तो सब जानते थे ये दिल मांगे मोर स्लोगन से, जिनसे वो बहुत ही फेमस हुए थे, तो मैंने उनके बारे में गूगल में और रिसर्च किया और उसकी जो जर्नी रही है, दो साल में आर्मी में थे, दो साल तो बहुत ही कम उम्र के थे, तो वो दो साल में उन्होंने बहुत ही कुछ देश के लिए किया, तो बहुत इंस्पायरिंग थी जो भी मैंने पढ़ा उसके बारे में, तो मैंने तय कर लिया कि ये कहानी तो पब्लिक के सामने आनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने उनके भाई को कांटेक्ट किया, उनके ट्विन ब्रदर विशाल बत्रा है, कि मुझे मुझे काफ़ी समय लगा उनके साथ कांटेक्ट में आने के लिए, तो जब हम लोग कांटेक्ट हो गया हमारा, तो मैंने उससे टाइम मांगा कि मुझे आपसे मिलना है, तो उन्होंने मुझे टाइम दिया और उस टाइम पे मैं चंडीगढ़ गया उनको मिलने, और मैंने जाहिर किया उनके सामने कि यू नो आपके भाई के बारे में मैं एक बायोपिक बनाना चाहता हूँ, और तो वो बोले कि हमारे जहन में भी काफ़ी टाइम से था, काफ़ी लोगों ने हमें अप्रोच किया है, तो फिर मैंने मेरा सारा जो प्रिपरेशन था मैंने किया था, उन्हें उनके उनको मिलने से पहले मैंने उनको बताया, मैंने बोला मैं बहुत पैशनेट हूँ इस कहानी को सिनेमा पे लाने के लिए, तो और आपकी जो भी है कंडीशंस मुझे बता दीजिए, और तो उस मीटिंग द्वारा विशाल और मैं काफ़ी क्लोज हो गए, पूरा दिन मैंने बिताया था उनके साथ, तो फिर उन्होंने बोला कि ये डिसीजन तो मेरे पेरेंट्स के मर्जी से ही होगा, तो हम लोग ने प्लान किया कि हम जाएंगे, उनके पेरेंट्स पालनपुर में रहते थे, तो रहते हैं राधा और विक्रम बत्रा और विशाल भी वहीं के हैं, तो एक दिन सेट किया और फिर एक दिन मैं उनके पेरेंट्स को मिलने गया और मैंने पूरा मेरा प्रपोजल उनको बताया कि भैया इस तरह से मैं आपके बेटे के ऊपर बायोपिक बनाना चाहता हूँ, और काफ़ी डिस्कशंस हुई कि कैसे क्या किस तरीके से किस स्केल पे तुम बनाओगे ये कहानी, बिकॉज उनके फादर के दो ड्रीम थे, एक तो किताब लिखना था, तो उन्होंने लिख चुके थे किताब विक्रम पे और पब्लिश होने ही वाली थी, और दूसरा उनका ड्रीम था कि विक्रम पे एक फिल्म बनानी चाहिए, यू नो, तो ड्यूरिंग द कॉन्वर्सेशन हम लोग एक दूसरे को और अच्छी तरह से जानने लगे और उनको भी काफ़ी मेरे पे फेथ आ गया, तो वो अग्री हो गए, वो मेरे लिए सबसे खुशी की बात थी, और हम लोग ने जो फॉर्मेलिटीज है वो कंप्लीट की और फिर राइट्स उन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिए बनाने के लिए, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई और मैंने बोला भी राइट्स तो मिल गए इसको, बहुत ही मतलब जिस तरह से विक्रम बत्रा ने देश के लिए इतनी बड़ी बलिदान दी है, मुझे भी इसको पर्दे पे उसी तरह से निहाना पड़ेगा,
और फिर मैंने काफी डायरेक्टर्स और राइटर्स को मिलना शुरू किया कि जो इस कथा को अच्छी तरह से पेश कर सके सिनेमा पे। तो उसके बाद मैं एक दिन संदीप श्रीवास्तव को मिला, तो उनका नाम मैंने सुना था, उसने काफी बेहतरीन पिक्चरें लिखी थी पास में, जैसे न्यूयॉर्क, अब तक छप्पन, सचिन की बायोपिक। तो उनसे मीटिंग के बाद मुझे लगा कि ये सही बंदा है जो ये कहानी को लिखने के लिए, तो हम लोग ने फाइनलाइज कर लिया तो उसको साइन करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था डायरेक्टर के, कौन इसे बेहतरीन तरीके से सिनेमा पे पर्दे में पेश करेगा जो। तो संदीप ने एक्चुअली मुझे, मैं काफी बॉलीवुड से कुछ डायरेक्टर्स में नाम नहीं बताना चाहूंगा बट मिला था और काफी सब लोग कीन थे इस कहानी को डायरेक्ट करने के लिए। तो संदीप ने एक दिन मीटिंग में, हमने जो विकिपीडिया पे पढ़ा है कि सलमान खान ने भी आयुष का नाम आपसे रिकमेंड किया था कि सिद्धार्थ से पहले आयुष का डेब्यूट ऐसे, नहीं वो बहुत बाद में था जब मैं सिद्धार्थ को फाइनल कर चुका था। अच्छा। उसके बाद जंगली पिक्चर्स वाले ये पिक्चर को प्रेजेंट करना चाहते थे विनीत जैन की कंपनी को, तो मतलब कुछ तय नहीं हुआ था, हमारी बातचीत चल रही थी। तो उनकी सीईओ प्रीति साहनी सलमान की बहन से काफी फ्रेंडली थी, तो जाहिर है उसने उसको बताया होगा इस कहानी के बारे में। तो सलमान के कान तक बात पहुंची तो वो चाहते थे कि आयुष को, बट सलमान को मैं जानता था मतलब बिफोर वो एक हीरो थे, तो तो हमारी काफी दोस्ती है, हम मिलते नहीं है इतना बट एक दूसरे को जानते हैं। तो मैंने सलमान को मिलके बताया कि भैया ये मैंने ऑलरेडी कमिट कर दी है, जब तक सिद्धार्थ फाइनल हो गया था तो वो समझ गए, वो बोले ओके अगर कमिट हो गई थी, पर उनकी इच्छा थी कि आयुष की भी इच्छा थी बिकॉज वो भी हिमाचल के है, तो चाहते थे कि एज ए डेब्यू फिल्म आयुष ये करे, बट ऑलरेडी फाइनलाइज हो गई थी तो वहीं पे बात रुक गई बस। आप एक सीनियर प्रोड्यूसर हैं, तो आपका हमेशा से एक ही एम था कि आपको एज ए प्रोड्यूसर ही बनना है या आप एज ए एक्सीडेंटल आप इस इंडस्ट्री में आ गए? नहीं, मैं तो 30 साल से ही काम करते आया हूँ, तो वही मुझे आता है, तो मैं लिखता था भी, और तो मैं त्रिमूर्ति फिल्म्स के साथ 14 साल तक जुड़ा हुआ था जो अपने टाइम में एक बहुत बड़ी कंपनी थी, तो वहां से मुझे काफी सीखना मिला, काफी बड़े बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ उठना बैठना होता था, तो ऑब्वियसली मेरे को फिल्म बनाने के सिवाय और कुछ सूझा नहीं था लाइफ में। आप जैसा कि सीनियर प्रोड्यूसर है, नो डाउट आपने ऐश्वर्या राय के साथ काम किया है दिल का रिश्ता। मैं सीरियल प्रोड्यूसर कभी नहीं था सुमित, में हम लोग पिक्चर ही बनाते थे त्रिमूर्ति फिल्म्स में भी, तो आज तक मैंने कोई सीरियल बनाई नहीं है, तो और त्रिमूर्ति फिल्म्स एक इतना बड़ा बैनर था जहाँ पे बड़ी बड़ी पिक्चरें बनती थी, तो जाहिर है मैं भी उसी तरह से सोचता था कि पिक्चर जब भी मैं इंडिपेंडेंटली बनाऊंगा तो बड़ी पिक्चर बनाऊंगा। तो मेरी फर्स्ट इंडिपेंडेंट पिक्चर ऐश्वर्या राय के साथ थी, उनकी फैमिली के साथ, तो दिल का रिश्ता वो भी बड़ी स्केल पे ही बनाई थी हम लोगों ने पिक्चर, मतलब एक मैं तो हर बार देखता हूँ और काफी उसके सॉन्ग भी फेमस थे नो डाउट दिल का रिश्ता। और मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा कि आप एक वेल एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स के साथ काम करना ज्यादा पसंद करते हैं कि एज ए आप न्यू कमर? एक्टर्स के बारे में पहले मैं सोचता नहीं हूँ, पहले मेन अहम देता हूँ कहानी पे, कहानी क्या है और फिर उसमें कौन उसको निभा पाएगा उस रोल को, उसके बाद हम लोग जब डायरेक्टर के साथ बैठते हैं तो फाइनलाइज करते कि ये हु विल बी सूटेबल फॉर दिस फिल्म अब जैसे कि सही प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो मैंने नए लोगों के साथ भी बनाई है, नसीब के साथ जब फिल्म प्लान की थी उनकी फर्स्ट डायरेक्शन में, तो काफी न्यू
लोगों को हम लोग ने चांस दिया था। मैंने इश फॉरएवर भी एक लव स्टोरी बनाई थी, उसमें लड़का लड़की दोनों नए थे, बिकॉज उस कहानी में लव स्टोरी में इधर आप बड़े स्टार लो, बड़े पेयरिंग करो या नए लोगों को लो। सर जैसा कि कोरोना चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है इस टाइम, तो क्या फिल्म इंडस्ट्री पे कुछ इफेक्ट पड़ रहा है चीज का? क्योंकि आज से हम 2 साल पहले की बात करें तो कंटिन्यूस फिल्मों का शूट चल रहा था, फिल्म रिलीज हो रही थी, पर 2 साल से बिल्कुल एक तो सिनेमाज बंद पड़े हुए हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री पे आप इसके बारे में बताइए कितना इफेक्ट पड़ा है कोरोना से? कोरोना का इफेक्ट सारी दुनिया को पड़ा है, फिल्म इंडस्ट्री को तो ऑब्वियसली बहुत ही बड़ा झटका है, तो बट पूरी दुनिया सफर कर रही है इस महामारी से। तो ऑब्वियसली जब शूटिंगें रुक जाती है, थिएटर्स बंद हो जाते हैं, तो बहुत लोगों ने सफर किया है। जिस जिसकी प्लानिंग थी रिलीज सब पुश डाउन हो गई, और ऑब्वियसली एज प्रोड्यूसर्स सब चिंतित थे। लकीली ये OTT का माध्यम आ गया था, तो वो एक किस्म का काफी सेवियर था फिल्म इंडस्ट्री। कुछ पिक्चरें जो रुक नहीं पाती थी थिएटर में, बिकॉज वो फाइनेंशियल बर्डन हो जाता है, इंटरेस्ट बढ़ते जाता है, तो उन लोगों ने OTT में रिलीज करने का निर्णय किया, और काफी पिक्चरें OTT पे भी सक्सेसफुल हुई है। अभी एक पैरेलल माध्यम बन गया है फिल्मों के लिए, एक नया एवेन्यू खुल गया है कि अगर आप कुछ ऐसी पिक्चर प्लान करो जो थिएटर में नहीं रिलीज हो पाएगी, तो तुम OTT में भी डायरेक्टली वो कहानी कह सकते हो। आप जैसा कि नो डाउट गुड लुकिंग है, बहुत से फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स डायरेक्शन और प्रोडक्शन के साथ एक्टिंग में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं और अपना लक ट्राई कर रहे हैं, तो आपने कभी सोचा कि मुझे भी एज एन एक्टर ट्राई करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे एक्टर कदे ही नहीं बनना था, तो मैंने कभी सोचा है ना आगे भी सोचूंगा। तो वो एक्टर एक स्पेशलाइज्ड जॉब होता है, ऐसे ही कोई भी एक्टर नहीं बन सकता है, तो उसके लिए काफी ट्रेनिंग और अंदर से वो चाहत होनी चाहिए, जो मुझ में बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत कैमरा शाय हूँ, और आई डोंट थिंक सो मैं एक डायलॉग भी बोल पाऊंगा अगर एक्चुअल कैमरा ऑन होगा और मुझे एक्टिंग करनी होगी तो। सर अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जिस पर अभी आप काम कर रहे हैं? क्योंकि दर्शकों को शेर शाह के बाद बेसब्री से इंतजार है कि हमारे शब्बीर सर कब एक नया प्रोजेक्ट लेकर आएंगे। तो काफी सब्जेक्टों पे काम कर रहा हूँ मैं, और जो भी प्रोजेक्ट मतलब स्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, जो भी पहले स्क्रिप्ट 100% हमारे सेटिस्फेक्शन से रेडी हो जाएगी, तो वो प्रोजेक्ट हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो होपफुली इन द कमिंग 1-2 months वील कम आउट विद एन अनाउंसमेंट। सो एंड वी आर वर्किंग अ लॉट ऑन कंटेंट, बिकॉज आजकल कंटेंट ड्रिवन फिल्म्स दर्शकों में ज़्यादा दिलचस्पी लाती है, तो दे मोर कीन के नई नई कहानियाँ देखे। वो ओल्ड फॉर्मूला फिल्म्स अभी मुश्किल हो जाती है, अनलेस के बहुत बड़ी स्टार कास्ट के तुम बना सको। तो ऑब्वियसली कंटेंट चल रहा है, वो OTT पे भी आजकल कंटेंट ड्रिवन थिंग्स आ रही है, नई नई कहानियां देखने को मिलती है, नए नए किरदार देखने को मिलते हैं, तो आई थिंक सो ऑडियंस के लिए भी एक्साइटिंग रहता है। सर आपसे एक आखिरी क्वेश्चन कि जो एक्टर्स हैं, जो नए नए एक्टर्स मैं बोलूंगा, जो फिल्म इंडस्ट्री में अपना जिनको एक तरीके से कोई सजेशन नहीं मिल पा रहा है, एक रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए आप क्या एक आपकी तरफ से उनके लिए क्या कुछ आपके शब्द हैं, क्या आप उनको सलाह देंगे? जिसमें भी टैलेंट होता है वो एक ना एक दिन उभर कर आता है, तो ये गेम पेशेंस का है, तुम्हें ट्राई करना चाहिए और पूरी मेहनत के साथ एज इट्स अ प्रॉपर प्रोफेशन, कि ऐसे ही नहीं कि आके ये चल गया तो मैं भी एक्टर बन जाऊंगा। ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है, और टैलेंट मेन थिंग जो मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर टैलेंट होना चाहिए, तो कभी ना कभी आपको चांस मौका मिलेगा, बिकॉज टैलेंट कभी वेस्ट नहीं जाता है। जैसे आप एक डिग्री ले लेते हो डॉक्टर की, तो कोई डॉक्टर्स बहुत अच्छा करते हैं, कोई स्लोली ऊपर आते हैं, तो पर एंड में आप कामयाब होते हो,
यू नो, तो उसके लिए पेशेंस और हार्डवर्क चाहिए, और ओवरनाइट कुछ चीज नहीं होती है इस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में, उसके लिए टाइम लगता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, आपका एक इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए। ये थे हमारे साथ शब्बीर बॉक्सवाला जी, जिन्होंने हमको एक तमाम जानकारी दी फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड और उनके अपकमिंग आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं उनसे रिलेटेड। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नई शख्सियत के साथ। नमस्कार।